इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ना सेट जी का, ये हमारा सेकंड सीटिंग का है, ठीक है ना। तो सेकंड सीटिंग का मेरे पास सेट जी अवेलेबल है, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं, जिसे कुछ जो फोटो ये भेजा ना तो दो चार प्रश्न छूट गया, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रश्न ही नहीं है तो हम कर क्या सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है गोविंद सागर, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक बार प्रभावित देश है तो इसका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नंबर तीन में, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो देखिए, नीला रंग जो है ना वो पानी को दिखाया जाता है, ठीक है ना। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है, जोन फाइव, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या पाँच में, उत्तर भारत का मुख्यालय मतलब सॉरी उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो एक मिनट रुकिए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय देखिए कहाँ है, हम कहाँ थे, पाँच नंबर में थे ना। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय हम लोग हैं, ठीक है ना, हाजीपुर, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग चलेंगे छः नंबर में, पंजाब में जो है ना भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ जो है ना सिंचाई बहुत अधिक होती है, वहाँ सिंचाई का सुविधा अधिक है, जिसके वजह से भूमि जो है उसका गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या सात में, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ऑप्शन। फिर चलते हैं हम लोग आठ में, ठीक है ना, अंकोरबाट मंदिर कहाँ है। तो देखिए, अंकोरबाट मंदिर जो है ना ये है हमारा कंबोडिया में, और ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है ना। मुद्रण कला का आविष्कार कब हुआ था, तो देखिए ये वाला प्रश्न हम आपको कर बोले थे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, चीन में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए, हमारा दो प्रश्न बीच से गायब है, तो आगे चलते हैं, मिरात उन अखबार के संपादक कौन थे, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। फिर आगे देखिए, कौन तापीय विद्युत बिहार में, तो देखिए बिहार में हमारा कौन सा है, कहनगांव तापीय विद्युत परियोजना। आगे चौदह में देखिए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम कहाँ कब बदला गया था, तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है ना हमारा बदला गया था 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी। फिर चलते हैं पंद्रह में, अल्मोनियम किससे संबंधित है, तो देखिए अल्मोनियम जो है ना ये बॉक्साइट से संबंधित है, अभ्रक से नहीं है, जिसने भी अभ्रक मारा है ना ये इसका आंसर गलत है, ठीक है ना, बॉक्साइट होगा। नंदा देवी कहाँ पे है, तो नंदा देवी उत्तरांचल में है, उत्तरांचल को ही उत्तराखंड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बॉक्साइट का सबसे बड़ा राज्य है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ था, तो 2005 ईस्वी में। आगे चलते हैं 19 में, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी सीमा है, तो यूपी की, उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर द्वितीय थे लाल कृष्ण अडवाणी। फिर हम लोग चलते हैं 21 में, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण होती है, 33%। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो देखिए इसका ए भी हो जाएगा, बी भी, सी भी, तो इसका हमारा आंसर होगा डी नंबर, ठीक है ना। आगे चलते हैं 23 में, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी, पटना की। फिर देखिए, भारत में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसमें देखिए हमको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है लोजपा और बसपा में, तो जहां तक मुझे लग रहा है ना ये लोजपा ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखिए 26 में, बोलीविया में जन संघर्ष का कारण क्या था, तो बोलीविया में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो बी नंबर होगा। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, तो देखिए बोलीविया दक्षिण अमेरिका का है, यूरोप का नहीं है, ठीक है ना, ये यूरोप मारा है ना, यूरोप का नहीं। आगे चलते हैं, किसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, कृषि क्षेत्र को। ये प्रश्न देखिए हमारा दूसरा बार आया, फर्स्ट सीटिंग में भी आया हुआ था। फिर देखिए दो प्रश्न फिर से गायब है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त संस्था कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो देखिए जहाँ तक मुझे पता है ना कि ये चारों रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, बट अगर आपको पता है सर तो आप हमें बताइए, मुझे जहाँ तक लगता है अगर होगा भी तो नागालैंड या मेघालय होगा, ऑप्शन नंबर 34 में। चलते हैं प्रश्न संख्या, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो देखिए ये प्रश्न भी हमारा दूसरा बार आया है, आज का सुबह का भी क्वेश्चन में ये प्रश्न था। फिर देखिए, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, कांडला, ऑप्शन नंबर बी।
फिर चलिए 36 में बिहार का कितना क्षेत्र वन से आच्छादित है, 7% का नहीं, ये प्रश्न हम आपको बताए थे। धान का एक प्रकार है तो देखिए औस भी है, अमन भी है, बोरो भी है, तो इसका हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। फिर आगे चलते हैं हम लोग, क्या निम्नलिखित में कौन कार्बनिक खनिज है, तो हो जाएगा कोयला ऑप्शन ए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, देखिए यह प्रश्न भी सुबह भी आया था, आज भी अभी भी सेकेंड सेटिंग में भी आया, तो ये हो जाएगा रियो डी जेनेरो। फिर देखिए 40 में चलते हैं, कौन सा कृषि आधारित नहीं है, तो देखिए चीनी जो है ये गन्ना से होता है ना, चीनी किससे होता है, गन्ना से होता है, ठीक है ना, चीनी जो है ये क्या होता है, गन्ना से होता है। उसके बाद जूट जो है ये भी कृषि से ही होता है, सूती वस्त्र उद्योग ये भी कृषि से, बट सीमेंट का जो है ये कच्चा माल चूना पत्थर होता है, तो ये नहीं है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय था लॉर्ड इरविन। आगे चलिए जेनेवा संधि कब हुई, तो देखिए इसमें हमको लग रहा है ना ऑप्शन थोड़ा सा गलत हुआ, 1925 ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 1922 में। अब आगे चलते हैं, देखिए विश्व का पहला समाजवादी देश था, सोवियत संघ यानी रूस। आगे अब हम लोग चलते हैं, देखिए हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, एक नंबर किधर चला गया, ऊपर चलते हैं देखिए, हम लोग कहाँ थे अभी, यहीं पे थे ना। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली, भारत भी पहले यही आया था ना, वियतनाम का एकीकरण। देखिए ये वाला प्रश्न भी आपका दूसरी बार पूछा गया, सुबह भी आया था। काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर, वो राष्ट्रपति था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए 49 में बिहार में अति जन दोहन से किसका संक्रमण करा, आर्सेनिक का। फिर हम लोग चलते हैं 50 में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी। आगे चलिए देखते हैं निम्न में कौन अनवीकरणीय है, तो देखिए नवीकरणीय सौर ऊर्जा है, जल विद्युत नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है, बट ये हमारा नवीकरणीय नहीं है, तो अनवीकरणीय यही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कर्नाटक के शिव समुद्रम में हुई थी। आगे अब देखिए बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, पटना ऑप्शन नंबर सी। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस पाया जाता है लगभग 95%। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है, बट भारत में ये बहुत कम पाया जाता है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान देखिए पहले था चेरापूंजी, बट अभी हमारा उसी के बगल वाला एक स्थान है जिसका नाम मौसिनराम है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कोसी परियोजना ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, ना कि महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इस स्टूडेंट ने महाराष्ट्र में मारा है, बट नहीं हुआ था महाराष्ट्र में मेरे बच्चे। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है, तो देखिए सबसे कोयला का खान पुराना है रानीगंज पश्चिम बंगाल का। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो 1965 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में पहली जीट मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो पावर लूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट ने। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। आगे 63 में देखिए हम लोग देखते हैं सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, तो सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ, 1965 में, भारत सदस्य नहीं का। फिर आगे चलिए आप मनरेगा कहाँ शुरू हुआ था, तो मनरेगा शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में। फिर हम लोग चलेंगे 66 में कौन गैर आर्थिक, तो देखिए जो हमारा आर्थिक संरचना वाला है ऊर्जा है यातायात है संचार है गैर यातायात हो जाएगा, मतलब गैर आर्थिक शिक्षा। विश्व व्यापार संगठन WTO, यानी WTO मतलब क्या होता है इसका पूरा नाम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। WTO का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। अब आगे देखिए कहाँ चला गया, विश्व व्यापार 67 के बाद ये नंबर देखिए लगता है ये दोबारा आ गया ना, ठीक है। 68 में ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा आर्थिक विकास से मेरे बच्चे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी 1990 में।
आगे देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए देखिए, भारत में सर्वप्रथम जो है ना राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो इसे लगाया था दादा भाई नेहरू जी ने। अब देखिए हमारे पास आज इतना ही प्रश्न आया है ना, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि अब हमारे पास जितना आएगा हम उतना ही बताएंगे ना। जिस किसी ने भी भेजा है वो इतना ही प्रश्न भेजा है, तो हमारे पास इतना ही अवेलेबल हो पाया, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपके पास प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज दीजिए, ठीक है ना। हम आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे देते हैं, वहाँ पर दिया हुआ है, तो आप हमें वहाँ पर भेज सकते हैं। अभी के लिए हम आपको एक बार फिर से सॉरी बोल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब हमारे पास प्रश्न जितना आएगा, हम तो अब एग्ज़ाम दे नहीं रहे ना कि हम, और मिलता भी नहीं है। फर्स्ट सेटिंग का हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, अगल बगल में बहुत सारे लोग दे रहे हैं तो वो हमें पहुंचा देते हैं ना, बट सेकंड सेटिंग वाला नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर सभी का फर्स्ट सेटिंग ही था, तो सॉरी। तो चलिए, ऐसे भी देखिए आपको कितना 40 ही मिलाना होता है ना, तो हमने लगभग कितना, लगभग आपको 65 to 70 बता दिया है, ठीक है ना। तो आप इतना से मिला लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।